पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। कौन है, कौन है तू? जहां पहुंच गया वहीं रह, वरना। क्या है सलमान टॉकीज? क्या है सलमान का नया दाव? फिल्म अंतिम कहां रिलीज होने से चूक गई? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही अपनी अगली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके जीजा आयुष शर्मा भी लीड रोल में नजर आएंगे। सलमान एक एक्टर के अलावा एक सफल प्रोड्यूसर भी है। अब जल्द ही सलमान एक और फील्ड में कदम रखने की योजना बना रहे हैं। सलमान खान का प्लान है कि वो देश भर में अपनी एक थिएटर चेन खोले। इस सिनेमा घरों की चेन का नाम सलमान टॉकीज होगा। सलमान का थिएटर चेन खोलने का प्लान कई सालों पुराना है, मगर इस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इसका इरादा बदल दिया है, तब सलमान ने कहा कि उन्होंने थिएटर चेन खोलने का प्लान टाला नहीं है। हाँ, हमारा प्लान थिएटर्स खोलने का है। हमने इसका प्लान बनाया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा। लेकिन इस प्लान में देरी की एक वजह सामने आई थी, जो है कोरोना। जी हाँ, कोरोना के टाइम सभी सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था। अब कोई भी अपने घाटे के लिए तो थिएटर में पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं। तब क्या सलमान खान ने कोरोना वायरस को देखते हुए अपने फैसले पर दोबारा सोचा था? इसके जवाब में आपको बता दे कि अभी इस पर काम चल रहा है। उन्होंने प्लान बनाया था तो पूरा भी होगा, क्योंकि एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। ये कोरोना क्या चीज है? लेकिन हाँ, सब कुछ कोरोना वायरस के चलते रोक दिया गया था। अब धीरे धीरे वो वापस ट्रैक पर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर एक दिन थिएटर्स खोले जाएंगे। हालांकि बड़े और मेट्रो शहरों के जो लोग सलमान खान के सलमान टॉकीज में फिल्म देखने के लिए उत्साहित हैं, उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। दरअसल सलमान की इस थिएटर चेन के सिनेमाघर खोलने की योजना केवल छोटे शहरों से बाहर और ग्रामीण इलाकों में खोलने की है, जहां लोगों के पास सिनेमाघरों की सहूलियत नहीं है। कहा जा रहा है कि सलमान टॉकीज शुरू में केवल महाराष्ट्र में खोले जाएंगे, इसके बाद इनका विस्तार भारत के अन्य राज्यों में किया जाएगा। अगर ये काम कोरोना से पहले हो जाता तो शायद आज हर गांव, कस्बा, जिला सलमान टॉकीज पर फिल्म अंतिम देख पाता। पर कोई ना, सलमान उस पर अपनी बाद में ही लगवा देंगे, क्योंकि अपने फैंस को नाराज करना तो इन्होंने सिखा ही नहीं है। तो यहाँ भी सलमान हमेशा की तरह 10 में से 10 नंबर ले गए। कभी फिल्मों में कुछ अलग डायलॉग, जैसे सरदार की हटी तो सबकी फटेगी से, तो कभी कोरोना में लोगों ली मदद करके, तो कभी फिल्मों में न्यू स्टार को लॉन्च करके लोगों का दिल जीतने वाले आज सिनेमाघरों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए फेमस हो गए। मोदी ने गांव-गांव में गैस पहुंचाई, अब सलमान एंटरटेनमेंट पहुंचाने वाले हैं। एंटरटेनमेंट से याद आया, ऐसे ही एक एंटरटेनमेंट की डोज लेकर सलमान फिल्म अंतिम से एक्शन रूप में वापसी कर रहे हैं, जिसमें महिमा मकवाना फिल्मों में डेब्यू कर रही है, जो 26 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म अंतिम में एक राज है जो इसका, क्या आप भी जानना चाहते हैं क्या वो राज है? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।